40s के अंदर स्किन केयर प्रोडक्ट जो सच में काम करे आपके फेस के लिए, ये वीडियो जरूर देखना। Hi guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है प्रियंका, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कॉलेज और टीनेजर्स जो भी है जो स्किन केयर रूटीन के बारे में पूछते हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स या फिर आप किसी भी एज ग्रुप में हो, अगर आपको अफोर्डेबल स्किन केयर करना है, 100 रुपीज के अंदर क्या प्रोडक्ट्स पिक करना चाहता हूँ, उससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते इस पॉइंट पे, तो मैं लेकर आई हूँ आपके पास एक 1 ब्रांड स्किन केयर ट्यूटोरियल। अगर आपने मेरा पर्पल हॉल नहीं देखा था जो मैंने कुछ टाइम पहले करा था अपने चैनल पे, जल्दी से चेकआउट कर लेना, नीचे मैंने लिंक डाला है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे हैं, स्पेसिफिकली ट्राई आउट किए हैं अपनी ऑडियंस के लिए जिनको चाहिए अफोर्डेबल स्किन केयर, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं अपने हर ऑडियंस का, जिनको अफोर्डेबल से लेके जैसे भी प्रोडक्ट्स चाहिए, हर एक तरह की वीडियोस बनाऊं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, अगर इस तरह की कंटेंट अच्छी लगती है और मेरी ये मेहनत अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई पैसे नहीं मिलेंगे मुझे बट बहुत अच्छा लगेगा, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके रिक्वेस्ट पर बनाऊं। और बगल वाला घंटा जरूर बजा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, आज जो मैं ब्रांड मैंने सोच रखा है कि मैं हिमालया बायोटिक इस तरह के जितने ब्रांड्स हैं जिनका स्किन केयर रूटीन या स्किन केयर प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रेंज में भी है, तो ब्रांड वाइज ना मैं अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन आप लोगों को बताऊं, तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ आल्प्स गुडनेस के प्रोडक्ट्स। अब आल्प्स गुडनेस के जो प्रोडक्ट्स है कहाँ मिलेंगे, आप पहला सवाल ये पूछोगे, तो ये जो प्रोडक्ट्स है आपको purplle.com में मिलेंगे। तो सबसे पहले जब आप स्किन केयर रूटीन करते हो तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है क्लेंजर। आप इन चीजों को दोनों टाइम यूज कर सकते हो, दिन में, सुबह भी, शाम भी, आपकी मर्जी है। आपको इतनी जरूरत नहीं है, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल है, कि आप बहुत कोई दूसरा प्रोडक्ट रात को लगाओ दिन में लगाओ, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप इसी को लगाओ, इसी से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। सो पहला प्रोडक्ट मैंने पिक किया है सैंडलवुड फेस वॉश। तो मतलब आल्प्स गुडनेस के प्रोडक्ट्स को काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है पर्पल पे, एंड जितने भी सैंडलवुड रेंज है उसका काफी अच्छा रेटिंग भी है। तो इसमें कहा है कि सूद्स एक्ने, ब्राइटन स्किन कॉम्प्लेक्शन, हेल्प्स रिस्टोर मॉइस्चर। 100 ml का प्राइस है 99 रुपीज। ऑल्सो गाइस, सबसे पहले बता दो क्योंकि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है तो आई डोंट थिंक सो कि ये इसमें SLS है और पैराबेन तो इसमें कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि पैराबेन नहीं है इसमें, सो इसीलिए आई वुड नॉट बी एबल टू गिव यू एनी कॉन्फर्मेशन ऑन दैट। बट यस, इसमें SLS है क्योंकि अफोर्डेबल स्किन केयर है, तो अगर आप थोड़ा अफोर्ड ज़्यादा कर सकते हो तो आप गुड वाइफ के प्रोडक्ट ले सकते हो, SLS एंड पैराबेन फ्री होते हैं। तो यहाँ पे हम इस क्लेंजर को ले रहे हैं, तो इस क्लेंजर का कलर कुछ ऐसा है और मैं इसको मेकअप के ऊपर अप्लाई करूँगी ताकि आप लोग को बता सकूँ कि ये मेकअप रिमूव करेगा कि नहीं। तो इसीलिए मैं एक दूसरा वीडियो बना रही थी, उसमें मैंने मेकअप कर रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी आप लोगों के साथ ऑन कैमरा ये वीडियो शूट करूं ताकि आपको पता चले कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये आपको मेकअप रिमूव करने में मदद करेंगे कि नहीं। तो ये क्लेंजर के बारे में मैं अगर बात करूं तो काफ़ी अच्छा है। आँख में मत जाने देना क्योंकि आपको इरिटेशन होगी आँखों में जाने से, सो आँखों में मत जाने देना। बट ये क्लेंजर काफ़ी अच्छा जेल बेस्ड है, मुझे काफ़ी पसंद आया। प्राइस के हिसाब से जो क्वान्टिटी है काफ़ी जेंटल है और इसकी कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सो यस, चाहती हूँ फटाफट इसको वॉश करके मैं वापस आती हूँ और इसके बारे में आपको और बताती हूँ। तो गर्ल्स, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो और टीनेजर्स हो तो आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स की अपनी स्किन केयर रूटीन में ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे मुझे 18-19 साल के बच्चे पूछते हैं कि सेरम लगाना है, कौन सा सेरम ले ले। यार 25 से पहले मैं सेरम रिकमेंड नहीं करती किसी को भी, तो 25 के बाद ही सेरम लगाना स्टार्ट करना चाहिए। सो अगर आप एक बेसिक स्किन केयर रूटीन करना चाहते हैं ना, तो ये जो मैं कर रही हूँ आप इसी को फॉलो करो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फेस से सारा मेकअप इस फेस वॉश ने निकाल दिया है, एंड बिल्कुल मेरा फेस जो है बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा है कि इसने मेरे फेस के मॉइस्चर को स्ट्रिप ऑफ कर दिया है या फिर हटा दिया है बिल्कुल मेरे चेहरे से। तो ये क्लेंजर को तो मैं बिल्कुल 5/5 दूंगी और आपको ज़रूर बोलूँगी कि इसको ज़रूर ट्राई करना। दूसरे प्रोडक्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मोस्टली ना जो सारे टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स थे आल्प्स गुडनेस के उनको ट्राई करा है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्क्रब, सैंडलवुड फेस स्क्रब। ये 30 ग्राम्स क्वांटिटी का है। ये कहता है हेल्प्स डिटॉक्सिफाई द स्किन, कंट्रोल सीबम प्रोडक्शन, लाइटन्स ब्लेमिशेस। लाइटन ब्लेमिशेस का तो मेरे को नहीं पता, अभी मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, बट हाँ स्क्रब कर देता है आपके स्किन को अच्छे से। और इसकी MRP है 75 रुपीज़। तो ये छोटा वाला जो है प्रोडक्ट आपको 30 ग्राम 75 रुपीज़ में मिलता है। वैसे गाइज अगर आप स्क्रब लेना चाहते हो तो ये स्क्रब भी बहुत अच्छा है, 75 रुपीज़ में ही गाइज आपको 50 ग्राम मिलता है और ये ज़्यादा बेटर स्क्रब है बायोटीक का बायोपापाया। खैर मैं अभी बायोटीक पे वीडियो नहीं बना रही हूँ, आई विल डू दैट वीडियो वेरी वेरी सून। तो यहाँ पे हम स्क्रब को ले रहे हैं, इतना सा स्क्रब लेना है हमें, ज़्यादा नहीं लेना है, और हमने इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे। तो गाइस इसका पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हैं, बट बहुत ज़ोर से अपने फेस को स्क्रब मत करना क्योंकि ये काफ़ी बड़े पार्टिकल्स है। लाइक इफ आई सी इसमें वॉलनट, इट्स अ वॉलनट स्क्रब जिसमें सैंडलवुड के एक्सट्रैक्ट्स हैं। सो वॉलनट स्क्रब के बारे में जो चीज़ होती है वो होती है कि वॉलनट स्क्रब ना आपकी स्किन में माइक्रो टियर्स कर सकता है। तो हफ्ते में एक बार यूज़ करो, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो यार टीनेजर हो तो हफ्ते में एक बार यूज़ करो और बस अपनी प्रॉब्लम एरिया, नोज़ वगैरह जहाँ ब्लैक हेड वाइट हेड है, चिन एरिया में वही यूज़ करो और पूरे फेस में ज़्यादा रब मत करो। सो एक मिनट जैसे ऐसे फेस में अपने रब करके इसको वॉश ऑफ कर लो। डिसेंट स्क्रब है, लाइक 100 रुपीज़ के नीचे अच्छा स्क्रब है, बट जैसे मैंने आपको बताया बायोटिक वाला स्क्रब मुझे ज़्यादा पसंद है 100 रुपीज़ के अंदर। तो फटाफट मैं इसको जाती हूँ और वॉश करके अपना फेस वापस आता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग और क्लियर लग रही है। तो मैं 28 ईयर्स की हूँ, वैसे 28 की हुई नहीं हूँ, हो जाऊँगी इस साल सितंबर में। तो अभी मैं 27 रनिंग हूँ और मेरा स्किन काफ़ी अच्छा फील हो रहा है इसको यूज़ करने के बाद। तो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे फेस पैक, ये भी आपको हफ्ते में एक ही बार लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, 1 से 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा। ये है आल्प्स गुडनेस का पपाया फेस पैक। ये जो फेस पैक है काफ़ी अच्छी रेटिंग है क्योंकि पपाया जो है रिवाइटलाइज करता है, स्किन को ब्राइटन करता है। 20 ग्राम प्रोडक्ट है, 29 ग्राम प्रोडक्ट यानी 30 ग्राम प्रोडक्ट है, 99 रुपीज़ MRP है। जनरली आपको 95 से 99 से बहुत कम में मिल जाएगा, 60 टू 70 रुपीज़ के बीच में आपको मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी अंदर से कुछ ऐसी है, मैंने इसको एक दो बार पहले यूज़ कर रखा है, 2 बार टू बी प्रिसाइज। तो फिर अब तीसरी बार हम ऑन कैमरा इसको यूज़ करके इसका इफेक्ट देखते हैं। फ्रेग्रेंस काफ़ी लाइट है, वैसे तो आप पपाया खाओगे तो पपाया में कोई फ्रेग्रेंस मेरे को ऐसी समझ नहीं आती जो इसके जैसी हो, बट जनरली कोई भी प्रोडक्ट में जब पपाया की फ्रेग्रेंस डालनी होती है ना तो ज़्यादातर ब्रांड्स कुछ ऐसी सी फ्रेग्रेंस भी डालते हैं। तो आई एम गोना कीप इट ऑन माई फेस। काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है ये पपाया मास्क। द ओनली थिंग आई रियली लाइक अबाउट इट कि एक तो बहुत अफोर्डेबल है और फेस को वॉश करने के बाद फेस इंस्टेंटली ना सच में ग्लोइंग लगता है, सच में काफ़ी अच्छा ब्राइट एंड अप लगता है। तो मैंने ये पपाया फेस मास्क ट्राई करा और मुझे तो बहुत पसंद आया। हफ्ते में 1 से 2 बार मैक्सिमम आप अप्लाई करो मास्क, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है मास्क अप्लाई करने की। मास्क जब लगाओ तो लगाकर 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ दो और उसके बाद अपने फेस को वॉश ऑफ कर दो। तो इस मास्क को मैं 15 मिनट अपने फेस पर छोड़ने वाली हूँ एंड देन I'm gonna quickly go and wash my face. So guys, this is almost dry, तो मैं फटाफट जा रही हूँ और मैं अपना फेस वॉश करके वापस आती हूँ। तो गाइज आई वॉश्ड माई फेस एंड आप देख सकते हो मेरा फेस कितना क्लीन और ग्लोइंग लग रहा है। Oh my God, I'm quite impressed with every product, you know. काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। क्लेंजर और फेस मास्क में तो मन खुश कर दिया। तो गाइस स्क्रबिंग और जो मास्क वाला पार्ट है इसको हफ्ते में 2 बार करना है और इससे ज़्यादा नहीं करना है। और बाकी जो चीज़ें हैं आपको क्लेंजर के बाद डायरेक्ट टोनर पे कूदना है। तो टोनर के लिए हमने दिया है आल्प्स गुडनेस का एक बहुत टॉप सेलिंग टोनर, दैट इज द आल्प्स गुडनेस अम्बा हल्दी टोनर। तो मैं इसको लगभग 10 दिन से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ और अब मैं इसको आपको बताने वाली हूँ कि ये टोनर कैसा है। तो ये कहता है कि ये रिड्यूस करता है एक्सेस सीबम, बैलेंस स्किन pH, एड्स इन स्किन क्लियरिंग। 100 ml पैक है, 125 रुपीज़ का है, बट 70 रुपीज़ के आसपास का मुझे मिला था। तो फटाफट पहले टोनर अप्लाई करते हैं और फिर आपको बताते हैं। बट एक डिस्क्लेमर राइट हियर राइट नाउ, इसको आंखों में मत जाने देना, बहुत जलता है। क्योंकि मैं स्प्रे करके जब भी लगाती हूँ तो क्या होता है ना मेरी आंखों में चला जाता है और फिर जो जलन होती है ना, माय गॉड, मौत आ जाती है बिल्कुल। तो मैं इसको अपने हाथ पे स्प्रे करूँगी। आप कॉटन पैड दे सकते हो, मैं हाथ पे स्प्रे करके टोनर लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसको लगाते ही हल्दी हल्दी की फ्रेग्रेंस और सैंडल की फ्रेग्रेंस आने लगती है। अब मैं आपको इस टोनर की अच्छी बात बताती हूँ कि यस, इसको लगाने के बाद स्किन एकदम से एकदम सपल फील होने लगता है, सॉफ्ट फील होने लगता है और स्किन बिल्कुल टाइट फील होने लगता है। ऐसा लगता है स्किन पूरा फर्म हो गया है, बिल्कुल वैसे सैगी सा नहीं फील होता या ऐसे नहीं फील होता कि कुछ लगाया है तो कुछ हुआ ही नहीं, पानी स्प्रे कर लिया एज इफ और कुछ हुआ ही नहीं टाइप्स। तो काफ़ी डिसेंट टोनर, आई थिंक 100 रुपीज़ के अंदर काफ़ी डिसेंट टोनर है। ऑब्वियसली स्किन के पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करता है। मेरी ऑयली स्किन है तो बहुत ऑयल प्रोडक्शन मेरे फेस पे तो नहीं होता, बट जितना भी होता है उसमें आई डोंट नो ये कम करता है कि नहीं, बट काफ़ी फेस यू नो सफल हो जाता है इसको यूज़ करने के बाद। अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ जो है सैंडलवुड फेस जेल। सो ये मैंने लिया है एल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड फेस जेल। मैंने जेल इसलिए लिया क्योंकि मेरी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन टाइप है और मैं बिल्कुल भी यू नो ऐसा प्रोडक्ट पसंद नहीं करती बहुत मॉइस्चराइजिंग वाला। गर्मी का टाइम है तो मैंने ये लिया। अगर आप यू नो ड्राई स्किन से हो तो गर्मी में तो ये चल जाएगा, बट फॉर विंटर्स आपको कोई मॉइस्चराइजर लेना पड़ेगा। तो आप एल्प्स गुडनेस का कोई मॉइस्चराइजर ट्राई कर सकते हो या फिर किसी भी ब्रांड का। मैं और भी ब्रांड्स के वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये 30 ग्राम प्रोडक्ट आता है 75 रुपीज का अगेन। और इसमें मेंशन कर रखा है कि इसमें जो है पैराबेन तो कहीं मुझे नहीं दिख रहा है इसके, यू नो इसमें नियासिनामाइड है और विच इज़ विटामिन B3 विच इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। विटामिन E है और फिर सैंडलवुड ऑयल है और बहुत सारे केमिकल्स के नाम है। अब इतना क्या समझ पाओगे ना, मैं समझ पा रही हूँ, केमिस्ट्री तो नहीं पढ़नी, बट एनीवेज चलो। ये लिखता है काम, ये करता है काम स्किन इरिटेशन, ट्रीट सनबर्न एंड सन टैन, हाइड्रेट स्किन। तो काम करता है स्किन इरिटेशन को और हाइड्रेट भी करता है। बाहर जा नहीं रही तो सनबर्न और सन टैन हो नहीं रहा तो बता नहीं पाऊंगी, बट या दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द जेल गाइस। काफी अच्छा है। लाइक अगर आप एलोवेरा जेल लगा के पक गए हो और आपको कुछ नया जेल ट्राई करना है तो यू कैन गो फॉर दिस। काफ़ी डिसेंट है, 1 महीना तो आराम से चल जाएगा। अगर आप एक सिंगल बंदे इसको अप्लाई करते हो तो आपका मंथली स्किन केयर तो इसमें एक ट्यूब में आराम से हो जाएगा। तो मैं हमेशा अप्लाई करके प्रोडक्ट को ना थोड़ा अपने फेस पे रब करना पसंद करती हूँ ताकि मेरे फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी हाइड्रेट कर देता है फेस को, बिल्कुल चिपचिपा सा फीलिंग नहीं देता है और स्किन इसको अप्लाई करने के बाद हो जाती है बिल्कुल सफल। सो या दैट वॉज माई क्विक लिटिल वीडियो ऑन 100 रुपीज के अंडर एक स्किन केयर रूटीन कैसे कर सकते हैं अफोर्डेबल। कॉलेज गोइंग गर्ल्स, टीनेजर्स या कोई भी 12-13 साल के बच्चे ये रूटीन मत करने लगना। इफ यू आर अबव 16, 17, 18 तो ही फिर आप ये सब करना। अदरवाइज अगर आप यू नो कम एज की तरफ हो तो बिल्कुल मत करना, आपको ये सब की जरूरत नहीं है। बच्चों से फेस वॉश लगाओ और आप लगाओ अच्छा सा मॉइस्चराइजर। बस अपनी मम्मी को बोलो, आपको पिक करके दे देंगी कोई भी। मम्मा ज्यादा बेस्ट विद दिस। सो यस, बट अगर आप 17, 18 या अबव हो तो आप ये सब ट्राई कर सकते हो। सो या दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब मैं 100 रुपीज के अंदर बायोटिक का वीडियो भी लाऊंगी और 100 रुपीज के अंदर हिमालया और गुड वाइब्स के तो 100 रुपीज के अंदर है नहीं ऐसे प्रोडक्ट्स, बट हाँ जितने ब्रांड्स मुझे मिलेंगे ना जो अच्छे होंगे और आपकी स्किन के लिए अच्छा काम करेंगे उनको मैं लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि वो वीडियोस मिस ना हो और मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ हग्स, किसेस एंड बहुत खुश रहना और स्टे होम, स्टे सेफ। सी या, बाय।